कक्षा दो में आज हम दो विषय के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे गणित, फिर हम पढ़ेंगे हिंदी। तो गणित के अंदर आज हम प्रश्न कर रहे हैं वो है निम्नलिखित छोटी संख्या पर गोला लगाओ। निम्नलिखित छोटी संख्या पर गोला लगाओ, यानी दो संख्या दे रखी होगी आपको, दो या तीन, उसमें से आपको छोटी संख्या को पहचान कर उसको क्या लगाना है, गोला लगाना है। जैसे हमने पहले संख्या लिखी 3, 5, 35, 4, 8, 48 और 1, 5, 15। देखिए 34, 35, 48, 15। अब आप देखिए इनके अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको पता है कि पीछे वाला इकाई होता है, आगे वाला क्या होता है, दहाई होता है। तो इकाई दहाई, दहाई पर कितना अंक है, 3। इकाई दहाई कितना अंक है, 4। इकाई दहाई कितना अंक है, 1। तो इनमें देखिए 3, 4, 1 में सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 1। और 1 दहाई से कौन सा अंक बन रहा है, 1, 5, 15। तो 35, 48 और 15 में सबसे छोटा अंक है 15। तो हम इसके ऊपर गोला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। इसी प्रकार 5, 5, 55, 3, 2, 32, 6, 4, 64। अब इनमें देखिए 55, 32, 64। अब इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, अब देखिए इसमें देखिए कई का अंक 5, दहाई का अंक भी 5। तो दहाई का अंक ध्यान रखना है आपको 5, इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 3, इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 6। तो देखिए 5, 3, 6। अब इन तीनों में देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, तो इसमें सबसे छोटा अंक है 3। और 3 से कौन सी संख्या बन रही है, 3 दहाई से 3, 2, 32। तो 55, 32 और 64, इनके अंदर जो सबसे छोटा अंक है वो है 32। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। चौथी तीसरा सवाल है हमारा 9, 2, 92, 9, 7, 97, 9, 9, 99। अब इनमें कैसे पता करने, देखो इसमें देखिए दहाई का अंक सबके अंदर एक जैसा है 9, 9, 9, लेकिन इकाई के अंक के आधार पर हम इसकी तुलना करेंगे। तो इकाई का अंक देखिए 9, 7, 2, तो 9, 7, 2 के अंदर सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 2। तो 2 इकाई से कौन सी संख्या बन रही है, 9, 2, 92, 92, 97, 99। तो इन तीनों में सबसे छोटा जो अंक है वो है 9, 2, 92, कौन सा है, 9, 2, 92। अगला सवाल है हमारा 11, 9 और 17, 11, 9, 17। अब इनमें देखिए, इन देखिए 11 और 17 दोनों दहाई के अंक हैं, जिसके अंदर दो दो अंक हैं, लेकिन 9 के अंदर कौन सा है, इकाई का अंक ही है, और इकाई क्या होता है, दहाई से छोटा। तो इसमें हमारा छोटा अंक कौन सा हुआ, 9, कौन सा हुआ, 9। इसी प्रकार से अगला सवाल हमने लिया 6, 5, 65, इस फिर अगली संख्या लिखी 8, 2, 82 और तीसरी संख्या हमने लिखी 9, 1, 91। अब इसमें देखिए 65, 82, 91, अब इन तीनों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो देखिए सब में दो दहाई की संख्या है, तो हम दहाई का अंक देखेंगे, इसमें देखिए 9, 8, 6, तो 6,
आठ, नौ में सबसे छोटा अंक है छः, और छः दाई से जो संख्या बनती है वो कौन सी है? पैंसठ। तो हमने लिखा, गोला बनाया पैंसठ के ऊपर, छः पाँच पैंसठ। फिर अगली संख्या हमने लिखी सात, सात सतहत्तर, आठ नौ नवासी, और चार चार चौवालीस। तो सतहत्तर, नवासी और चौवालीस, इन तीनों के अंदर सबसे छोटा अंक है वो है चौवालीस, तो इसके ऊपर हमने गोला लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं को पहचान कर, दी गई संख्याओं को पहचान कर छोटी संख्या पर गोला लगाया। अब हम करते हैं हिंदी, हिंदी के अंदर आज हम करते हैं परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण, सहित लिखो। उदाहरण सहित लिखो। तो सबसे पहले तो आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, और फिर उसके क्या लिखने है? उदाहरण लिखना है। इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति पशु और किसी व्यक्ति पशु स्थान और वस्तुओं की नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या लिखी पड़ा सामने? किसी व्यक्ति पशु स्थान और वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति पशु स्थान और वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर क्या लिखना है आपको? उदाहरण। आप उदाहरण कैसे लिखेंगे? देखिए, उदाहरण सबसे पहले व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के नाम में क्या लिख सकते हैं? राम, सीता आदि। फिर पशुओं के नाम, पशुओं के नाम में जैसे गाय, शेर, ये सब क्या है? संज्ञा। स्थान, स्थान का नाम जैसे बीकानेर, जयपुर। फिर वस्तु, वस्तुओं के नाम जैसे पेन, किताब आदि। इस प्रकार से आपको इसको करना है। गणित के काम गणित की कॉपी में करना है, हिंदी का काम हिंदी की कॉपी में करना है, एक ही कॉपी में काम नहीं करना है, उन दोनों की अलग अलग कॉपियां बनानी है, और आपको इसको स्कूल में चेक भी करवाना है।